भारत के स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसे LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहा जाता है, वो इस वक्त लद्दाख में उड़ान भर रहा है। तो आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर LAC के फ्रंट पर तैनात है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का जायजा हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने बंगलुरु में लिया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये उड़ान आपको दिखा रहे हैं जो इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने लिया। और आपको बता दें ये तस्वीरें इस वक्त आप बंगलुरु की ही देख रहे हैं जहां पर इस हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान भरी। इसका जायजा हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बंगलुरु में लिया। उन्होंने इस हेलीकॉप्टर में 4,000 फीट की ऊंची उड़ान भरी बेंगलुरु के LCH पर से। देखिए बहुत ही खास रिपोर्ट हमारी। हम इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आपको अंदर से दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये बताना जरूरी है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक गेम चेंजर के तौर पर है। इस समय भारतीय सेना और वायुसेना के पास Mi-35 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका हाल ही में लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में फॉरवर्ड लोकेशन तक ट्रायल किया गया है, इसके वेपन सिस्टम को मॉनिटर किया गया है और उसके बाद अब ये पूरी तरीके से तैयार है भारतीय सेना और वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए। हम आपको उसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से दिखाएंगे एक एक तस्वीर। हम आपको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये दरअसल वेपन सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर मैं इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहा हूँ और ठीक मेरे साथ पायलट हैं जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। दरअसल ये बताना जरूरी है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस समय भारतीय वायुसेना और सेना के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के तौर पर इसको HAL के द्वारा भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने फॉरवर्ड लोकेशंस पर ट्रायल के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब जाकर इसे पूरी तरह से टेस्ट किया है। इसके अंदर वेपन सिस्टम के तौर पर इस समय 70mm गन, 20mm गन, मिसाइल्स, रॉकेट्स, इन सब से पूरी तरीके से इसे इक्विप किया गया है। आने वाले टाइम पर इसमें और अपग्रेडेशन के तौर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और यही नहीं बल्कि और आधुनिक वेपन सिस्टम को भी लगाने की पूरी तैयारी है। इसीलिए आज हम आपको बिल्कुल HAL के इसी ग्राउंड से दिखा रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब फ्लाई किया था, उस दौरान भी वो इसी जगह पे बैठे थे और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी इसे फ्लाई किया और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब Mi-35 और अपाचे को और कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन वेट के कंपैरिजन में ये सबसे हल्का है। इसका 6 टन का वेट है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक और सेंसर ऐसे हैं कि अगर कहीं से भी दुश्मन अपनी मिसाइल को लॉक करता है तो उनकी मिसाइल को चकमा देने के लिए पूरी तरीके से आधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ लैस है। के तौर पर इसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल 70mm, रॉकेट्स, उसके अलावा EO सेंसर जिसकी रेंज करीबन 20 किलोमीटर तक इफेक्टिव है, 20mm का वेपन सिस्टम, यानी बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं से भी इन सेंसर्स के जरिए एनिमी को पिनपॉइंट किया जाता है तो उसको लॉक करके पूरी तरीके से ध्वस्त करने की काबिलियत इसमें है। हीट रिडक्शन की वजह से इसका सिग्नेचर रडार पे बहुत ही मिनिमम है और इसका वेट करीबन 5.8 टन है और यही वजह है कि ये इसे कारगर और सक्षम बनाता है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और करीबन 25 से 30 मिनट की सॉर्टी पे 2G क्रॉस करते हुए हमने जो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और मैनूवर है वो देखा, स्टेबिलिटी देखी और कंट्रोल
सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का है। चेतक और चीता को रिप्लेस इसलिए भी करना ज़रूरी था क्योंकि जब हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में कैजुअल्टी इवैक्यूएशन होता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिसका हाल ही में लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज़ में इसे उतारा गया जहाँ पर हाइट करीबन 19,000 के लगभग थी सियाचिन में और उसके अलावा 15,000 लद्दाख के इलाके में थी। सर, कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट के तौर पर ये कितना स्टेबल है और साथ में जब मैनोवर की बात करते हैं, कंट्रोल कैपेसिटी की बात करते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रूप मूवमेंट, लॉजिस्टिक सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट होता है? ये किसी भी जहाज़ के लिए हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें अच्छा पावर टू वेट रेशियो हो, मैनूवरेबिलिटी हो, अच्छी स्पीड हो। ये सब खासियत हमारे LUH में है, खासकर लद्दाख एरिया में रिस्पॉन्ड करने के लिए पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, सॉर्टी जनरेशन रेट अच्छा है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। इससे क्या होता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रूप मूवमेंट में जल्दी इंडक्शन कर सकते हैं, जितना जल्दी चाहें उतनी जल्दी इंडक्शन हो सकता है। जो अभी हमने सॉर्टीज की, मतलब अभी जो मैनूवर किया उसमें कितनी जी तक हमने जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको मैच करने की स्पीड अप किया, उसके साथ साथ क्योंकि शार्प एज था ALH में ऐसा नहीं देखा जाता था, क्योंकि जब भी अगर मूवमेंट के साथ या फिर पहले जो फिक्स्ड विंग थे या जो रोटर्स हैं उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी, तो ये कितना और अपग्रेडेशन के साथ है? सी, LUH रोटर सिस्टम रिजिड रोटर सिस्टम है जिसके कारण इसका है ना मैनूवरेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी बहुत हाई होती है। एडवांटेज होता है कि हम जमीन के पास भी आराम से उड़ सकते हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, कंट्रोल रिस्पॉन्स बहुत क्रिस्प होता है, जो आपने खुद देखा। हमने करीब 240 किलोमीटर तक की गति से इसको उड़ाया, प्लस 2G टर्न करे, रिस्पॉन्स बहुत आसान, क्रिस्प और क्विक मिलता है इस जहाज में। और इसका वेट कुल मिला के 3 टन के लगभग है और वेट कैपेसिटी के तौर पर जो पीछे है वहाँ पर आसानी से ट्रिप मूवमेंट, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर चेतक और चीता को रिप्लेस करने वाला एक अहम आत्मनिर्भर भारत के अहम रोल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। स्वदेशी LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी। एक ब्रेक का वक्त हो चला है और आगे आपको बताएंगे नक्सलियों के खिलाफ हमारी बड़ी कामयाबी।